इंडियन टेलीविजन में पहली बार धर्म जी और मुमताज जी की आइकॉनिक जोड़ी एक साथ। सर, ये आपके लिए दीवानगी और प्यार है। आज हमारा स्टूडियो खचा खच भरा हुआ है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है आज। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मेहनत की सबसे बड़ी मिसाल चाइल्ड एक्ट्रेस से लेकर स्टंट फिल्मों की हीरोइन से लेकर शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, आशा पारेख जी सबकी फिल्मों की सपोर्टिंग एक्ट्रेस से सीधे अवार्ड विनिंग नंबर वन हीरोइन बनने की असली दास्तान, जिनके छूते ही पत्थर गोल्ड बन जाता था और फिल्में गोल्डन जुबली हिट बन जाती हैं। दो रास्ते, सच्चा झूठा, अपना देश, रोटी, आपकी कसम जैसी ऑल टाइम क्लासिक्स देने वाली अपने दौर की टॉप एक्ट्रेस, जिनकी हर अदा में छुपा है एक राज, 100 कैरेट डायमंड है जिनका हर अंदाज, पहली बार ऑन इंडियन टेलीविजन द ड्रीम ऑफ मिलियंस, मुमताज। और इनके साथ है दी ओरिजिनल ही मैन ऑफ इंडिया, जो अकेले शख्स हैं इस देश में जो हमारे यहाँ कभी अनीता जी के साथ तो कभी आशा जी के साथ और आज मुमताज जी के साथ आ रहे हैं। जेम्स बॉन्ड भी इतने रंगीन नहीं जितने 87 की उम्र में इंडिया मोस्ट गुड लुकिंग स्टार है। शोले, प्रतिज्ञा, दोस्त, जुगनू, चरस, माँ, लोफर, कीमत, सत्यकाम, बंदनी जैसी फिल्मों के सुपर हीरो सीता और गीता में अपने 2.5 किलो के हाथ का जिक्र करने वाले पहले हैंडसम हंक इस यूनिवर्स के मैनली गुड लुक्स का केंद्र, द ओरिजिनल धर्मेंद्र। आज रचेगा इतिहास दो कारणों से। पहला कि ये 50 साल, जी हाँ 50 साल के बाद एक साथ नजर आ रहे हैं हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज स्टार्स। आज 50 साल बाद घर लौटी वो तो सही है, सही है। और धर्मेंद्र जी इतने अच्छे इंसान हैं और इतने सॉफ्ट दिल के इंसान हैं और सच्चे हैं, जो है वो है। क्या बात है। जी चाहता था इनके साथ और फिल्में की जाएं, फिल्में हिट हो रही थी लेकिन ये रोमांस कर बैठी और चुप कैसे निकल ली पतली गली से और हम इंडस्ट्री वाले देखते रहे, वो मुमताज गई, आएगी कि, लेकिन आज आई है तो दिल बहुत खुश है। शुरू की फिल्में मेरी जो थी उनमें ये या महमूद जी के साथ थी या दूसरा हीरो था, मैं उचटती नज़र से देखता था और ये पलक झपक कर चली जाती थी, इस डर से कहीं उलझ ना जाए इनकी नज़र मेरी नज़र से। तालियां बजती रहनी चाहिए। आइए सर, आइए। आदि इसमें अच्छा। कोई और ओपिनियन हो ही नहीं सकता कि आज ये फोटोग्राफ में जितने धर्म जी और मुमताज जी इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, उससे ज्यादा आज लाइव में हम लोग यहाँ बैठकर उनको देख रहे हैं, दे आर लुकिंग स्टनिंग। ओह माय गॉड, मैम मैं चाहता हूँ कि मैं आपके एक सॉन्ग पे आपके साथ
अगर दो लाइन प्लीज अगर मैं उसके उस पर आपके साथ डांस कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। ओके बेटे यार, लवली लवली, लविंग नाइस है ना। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आज कल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मौसम मुमताज जी ने बदल दिया। দেবো ওকো বন্ধু সুন্দরী এখানে আসো। কিতনি সুন্দর লাগ রহি হ্যায় না হামারি। মে আকে কেনা চাহতি হুঁ। ও মম্মি পাপা আ রহে হ্যায় আপকে? হ্যাঁ জি, ওহাঁ বেঠে হুয়ে হ্যায় মম্মি জি পাপা জি। আপ আইয়ে না, আইয়ে আইয়ে। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार मैम। शी इज सो लकी टू हैव पेरेंट्स लाइक यू। थैंक यू। और आप भी इतने लकी हैं कि इतनी लाजवाब सिंगर एंड इतनी मेहनती लड़की। हम लोग जब परफॉर्मेंस देखने जाते हैं बड़े बड़े आर्टिस्टों की, सबकी टिकट खरीद कर जाते हैं, पैसे दे के जाते हैं। ये मेरी तरफ से 1,00,000 रुपया है। समझना मैंने आपकी टिकट ली आपके लिए। प्लीज प्लीज, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। 1,00,000 रुपया मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मैं एक साथ इतना पैसा कभी भी नहीं देखा और मैं इतना छोटा घर से आई हूँ कि मैं कभी सोचता ही नहीं कि 1,00,000 रुपया हमारे पास आएगा कभी। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही खुशनसीबी है। देवो तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारे पहले परफॉर्मेंस के लिए मुमताज जी ने तुम्हें ऑलरेडी एडवांस टोकन दिया हुआ है। शी इज गोइंग टू बाय योर टिकट एट सच अ ह्यूज प्राइस। क्या बोलूं मैं, मैम जिंदगी में मैं नहीं सोचा। थैंक यू सो मच मैम। मुमताज जी, हमारी जो विदिप्ता है ये इतनी खूबसूरत है, इन्हें एक्ट्रेस बनने की भी कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा सीखना चाहिए। अगर मैम आप हमारी विदिप्ता को कुछ टिप्स देंगी तो उनकी लाइफ बन जाएगी। एकदम मैम। एक्ट्रेस बनने के लिए यू हैव टू बी परफेक्ट, फर्स्ट विद द फिगर, सेकंड हाउ यू कैरी योरसेल्फ, डांस। डांस सीखने के लिए कौवे उड़ाना नहीं होता, हाथ ऐसे उठाओ, ऐसे नहीं। अभी आजकल तो ग्रेस है ही नहीं। मुझे क्यों लोग लाइक करते थे कि जब मैं डांस करती थी तो ग्रेस से करती थी, ग्रेस से करती थी, मगर अब ऐसे नहीं है। दिल तो लगेगा वाह, उसमें देखिए आप 100-100 स्क्वायर फीट की उम्र, पैर पे मैंने डांस किया। अब का होगा रे दो का दई गवा, तो वो सब करना पड़ता है डांस सीखने के लिए। मेरा बच्चा, अगर आप मेहनत करेंगे तो व्हाई नॉट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। व्हेन मुमताज सेज नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज। एकदम एकदम एकदम। थैंक यू सो मच मैम।
मैम, इतना प्यार से आपने हमारी विदिता को इतने कम समय में इतना कुछ सिखाया है. एक्चुअली यहाँ पर जो हमारी सारी गर्ल्स हैं वो बता नहीं रही हैं, बट वो सब आपसे थोड़ा थोड़ा कुछ सीखना चाहती है मैम. अरे बाबा मैं क्या, तो प्लीज आप पहले तो स्टेज पे आइए गर्ल्स. और मैम, इफ यू वुड बी सो काइंड. भगवान गया घुंघरू में छमछम नचती फिरा, हुई सहरी बाबू दिल लहरी बाबू हारे, भगवान गया घुंघरू में छमछम नचती फिरा. मैं तो चलू हौली हौली फिर भी मन डोल खावे मेरी रफा में की तरह, मैं छमछम God. मुमताज जी, जब आप जैसे महान हस्ती यहाँ पर आते हैं तो हम कुछ सवाल जवाब जरूर करते हैं. तो मुमताज जी, बोलिए. सवाल जो भी हो, ये रहे आपके बहुत ही हैंडसम ऑप्शंस. ओए होए, ओहो, व्हाट अ सिलेक्शन ऑफ फाइन मेन. पहला सवाल, क्या इनमें से कोई ऐसे हीरो हैं जो आपको पसंद नहीं करते थे? कोई भी नहीं. मेरे पूरे फिल्म लाइन में कोई हीरो नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करता था. अगला सवाल, मैम, इनमें से सेट पर सबसे लेट कौन पधारते थे? सबसे लेट राजेश खन्ना आता था. मिल गए नैना से नैना, पर क्या बात हो गई. 12 बजे आता था, मैं 9 बजे पहुंचती थी. 9 बजे के बाद मेरी छुट्टी हो जाती थी 6 बजे. उसको पकड़ के रखते थे कि तुम 3 घंटे लेट हो, अब लगे रहो मुन्ना भाई. मुमताज जी, अगला सवाल, इनमें से रोमांटिक सीन देते वक्त किसके पसीने छूट जाते थे? कभी आदमियों के रोमांटिक सीन में पसीने छूटते हैं? पर ये असली मर्द हैं. डांस में जिनको डांस नहीं आता था उनके पसीने छूटते थे, लेकिन रोमांटिक में तो वो लोग वेट करते थे कि कब सीन आएगा. क्या बात है. वाह. इनमें से सबसे दर्दनाक डांसर कौन थे? देखिए, डांस में तो डांस सीखे नहीं हो तो यू कांट ब्लेम देम. जैसे हरी भाई डांस नहीं सीखे थे, ही वॉज नॉट गुड इन डांस. अभी धर्मेंद्र जी भी करते हैं, लेकिन यू कांट टेल हिम ही इज अ डांसर. फिर भी अच्छे से कर लेते हैं. सीखा ही नहीं तो डांस कैसे करेंगे? सीखना पड़ता है ना डांस के लिए. वही तो आपकी लड़कियों को सिखा रही थी मैं. मर्द नचाते रहे यार, नाचते नहीं. सुना आपने? जी मैम. He's a jet man, he man. He man लोग डांस तो नहीं करते. Love you, boy. Love you all. जीते रहो. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.